हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी पहुंचे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि एबीवीपी को छोड़ सभी छात्र संगठन प्रदेश में अप्रत्यक्ष छात्र संघ चुनावों के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि जब यूपी बिहार व अलीगढ़ में प्रत्यक्ष चुनाव हो सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने भाजपा के 65 सीटों के लक्ष्य पर पलटवार किया और चुटकी ली कि भाजपा 65 सीटें तो नहीं 65 बूथ पर जीत जाए तो बड़ी बात होगी। बता दें कि प्रत्यक्ष चुनावों को लेकर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो की छात्र इकाई इनसो सालों से संघर्ष कर रही है। इनसो ने ही संघर्ष कर भाजपा को उसका चुनावी वादा याद दिलाते हुए छात्र संघ चुनाव करवाने का दबाव बनाया था। सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला तो लिया लेकिन प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से। इसे लेकर इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्र संगठनों की बैठक कर प्रत्यक्ष चुनावों को लेकर लॉबिंग तैयार कर रहे हैं। इसी के तहत दिग्विजय सिंह चौटाला बुधवार को चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्रों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने गोहाना सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण देने के लिए देवीलाल सदन में युवाओं की बैठक ली। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि लोगों की कांग्रेस से नाराजगी जारी है और भाजपा सरकार जन विरोधी फैसलों को लेकर निरंतर कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा, व्यापारी, कर्मचारी, किसान व मजदूर सड़कों पर है और हर रोज महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचारों को लेकर लोग भाजपा सरकार को चलता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में गोहाना में होने वाली 25 सितंबर की सम्मान दिवस रैली में लोग देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनाने का संकल्प लेंगे। दिग्विजय ने कहा कि इस रैली में इनेलो व बसपा दोनों पार्टियों के सुप्रीमो भाग ले सकते हैं। वहीं छात्र संघ चुनाव पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब यूपी में, बिहार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष चुनाव हो सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं, या फिर सरकार बताए कि हरियाणा में यूपी से भी खराब माहौल है। उन्होंने कहा कि लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में प्रत्यक्ष चुनाव होने हैं। इस रिपोर्ट के नियम इतने सख्त हैं कि छात्र संघ चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या अप्रिय घटना नहीं हो सकती। दिग्विजय ने कहा कि एबीवीपी को छोड़कर हर छात्र संगठन अप्रत्यक्ष चुनाव के विरोध में है। उन्होंने कहा कि सरकार खरीद फरोख्त को बंद करने के लिए निगम, परिषद व पालिका के मेयर व चेयरमैन के चुनाव प्रत्यक्ष करवाना चाहती है और छात्र संघ के अप्रत्यक्ष। उन्होंने कहा कि छात्र संघ के अप्रत्यक्ष चुनाव खरीद फरोख्त को बढ़ावा देंगे और इसका गरीब व किसान वर्ग के छात्रों को कोई लाभ नहीं होगा। यूपी में अगर डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं, बीएचयू में हो सकते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हो सकते हैं, तो फिर हरियाणा तो उससे कई गुना ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। बात आज ऐसे है कि बीजेपी के जो पुराने हालात होते थे, जो पुरानी परिस्थितियां थी जिसमें वो 3-4 से आगे नहीं बढ़ पाती थी, मुझे लगता है कि वो भी आंकड़ा छू जाए तो गनीमत है। आज बेरोजगारी बढ़ गई, शायद हरियाणा जितना बड़ा कर्मचारी एजिटेशन जो पंचकुला में हुआ इतिहास में नहीं हुआ होगा। आज हरियाणा का व्यापारी निरंतर संघर्ष कर रहा है, तो इस सरकार का तो सुपड़ा साफ होना ही तय है। ये तो 65 सीटें जीतने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 65 बूथ भी पूरे हरियाणा में जीत जाए तो बहुत बड़ी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।